हेलो एवरीवन, दिस इज़ सिलेक्शन बायोलॉजी। मैं आपके साथ नीलम गुप्ता। आज हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की। सो फर्स्ट स्टूडेंट, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट, प्रेस बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस ऑफ वीडियोस। तो हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की और स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिंथेसिस की। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो आप ये देख पा रहे हैं डायग्राम, ये है क्लोरोप्लास्ट का। प्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लास्टिड होते हैं जो आपके मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। ये मेसोफिल सेल्स जो हैं वो लीफ में प्रेजेंट होते हैं। मेसोफिल सेल्स जो हैं वो लीफ में प्रेजेंट होती हैं। सो मेसोफिल सेल्स हैव अ प्लास्टिड, और प्लास्टिड जो हैं वो काफ़ी टाइप के होते हैं। मेसोफिल्स कंटेनिंग प्लास्टिड आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वेरी फर्स्ट पॉइंट, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है उनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। नाम से हमको ये चीज़ क्लियर हो जाती है, क्लोरोप्लास्ट माने क्लोरोफिल। और ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मेसोफिल सेल्स में, जो लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर की। एक इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको अपने माइंड में याद रखनी है, हमारा क्लोरोप्लास्ट जो है होता है डबल मेम्ब्रेन। ओके, इस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में टू लेयर्स प्रेजेंट होती है, एक है आउटर लेयर और एक है इनर लेयर।